नमस्कार, मु देवाशीष पात्र। आज एक भिन्न प्रसंग नहीं आपण मानक आसी। आज प्रसंग रही हाउ टू प्रिपेयर ए रिसर्च आर्टिकल बा आमे गवेषणात्मक निबंध बा एक समालोचना पत्र को केमिति प्रस्तुत करिबा, तार प्रासंगिकता मध्य कौन रही से संपर्क में आम आज चर्चा करिबा, जहाँ प्रत्येक छात्र छात्री गवेषकों पर एवं जो मैंने अध्यापना क्षेत्र में रही यह केते जरूरी। आमे साधारणतः देखू बा आम जत राज्य स्तरीय हो बा जातीय स्तरीय हो बा अंतर्जातीय स्तर हो, जत्ते बेले कौनसी सेमिनार बा वर्कशॉप हुए सेते बेले गवेषकों को एक निबंध पत्र सेटी उपस्थापन करिबा को पड़े। एथी सहित जो माने पीएचडी थेसिस सबमिशन करती ता पूर्वरु सेमानकु अति कम रे दुईटी गवेषणात्मक पत्र बा निबंध बा एक समालोचनार मुद्रित रूपर फोटोकॉपी बा नकल उपस्थापन करिबा को मध्य पड़े। सेथिपाई छात्र छात्री माने ठीक भावरे जो मार्ग रे जिबा कथा जाई पारंती नाही, एवं अनेक समय रे सेई गवेषणात्मक निबंध गुड़िक जो मूल्यांकन हो पारिबा कथा ताहा से परिसर भुक्त हो पारे नाही। सेथिपाई आज ये चर्चार प्रसंग को आमे रखिछु जे एही भली एक सुंदर गवेषणात्मक पत्र बा निबंध को आमे केमिति प्रस्तुत करिबा। प्रथमे आमे जो सोपान गुड़िक नेकि आगुक बढ़िबा सेथिरे रहिछि, प्रथम कथा होउछि आमर कौ प्रकार पत्रिकारे से निबंध मुद्रण करा जीवो बा कौ प्रकार जातीय पाठचक्र बा अंतर्जातीय पाठचक्र रे से निबंध उपस्थापन करा जीवो, से विषय को नेकि आम निबंध किभली प्रस्तुत हबो से संपर्क रे चर्चा करिबा। प्रथमे आमे देखिबा रिसर्च एरिया बा गवेषणात्मक क्षेत्र। धरा जाउ एठी आमे गोटिए गवेषणात्मक क्षेत्र नेले प्राचीन साहित्य बा मध्ययुगीय साहित्य बा आधुनिक साहित्य, एवं सबुबले वर्कशॉप बा गोटे सेमिनार गोटे निर्दिष्ट विषय विन्यास रखा जाय थाय, एवं ता अंतर्गत अनेक उपविभाग मध्य रही था जाकु आमे सब थीम कहुचु। जिमती प्राचीन साहित्य आसिला माने सेथरे प्राक सारला साहित्य आसुची, सारला साहित्य आसुची, एवं सेथरे गोटे प्रसंग धर चर्या साहित्य, चर्या साहित्य को जदि ग्रहण कलु चर्या साहित्यर भाषा कोन रहिची, से समय धर्म विन्यास कौन थिला, तार सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कौन थिला, एभली अनेक गुड़िए सब थीम आम ग्रहण करूँ निबंध प्रस्तुत करूँ। तार गोटे शीर्षक रखा जाए, जिते बड़े गवेषणात्मक निबंध आम प्रस्तुत करुच्छू तार गोटे शीर्षक रीर्षक अति कम्रे दस रु अति बेसी अठर शब्द मध्य सीमित रहा दरकार। तेणु ये शीर्षकटी रीर्षक रु आमर जो उद्देश्य से निबंधर ताहा स्पष्ट होबा आवश्यक, एवं एथिरे आमे जो जहाँ को फुल पेपर बोली कहूँ संपूर्ण गवेषणा पत्रटी 3000 रु अति कम 3000 रु अति बेसी 5000 शब्द मध्य सीमित रहा दरकार। अनेक समय रे आमे जेतेबेले पेपर प्रेजेंटेशन करने को जाऊ बा गोटे पाठचक्र को जाऊ बा कर्मशाला को जाऊ, ता पूर्वरु आयोजक माने आमठू गोटे निष्कर्ष बा आब्स्ट्राक्ट सेटा मागिकी नहीं थांती, एवं अनेक समय रे प्रारंभिक दिवस रे आब्स्ट्राक्ट वॉल्यूम मध्य रिलीज करी थांती। तेणु यही जो निष्कर्ष बा से जो गवेषणात्मक निबंधर निष्कर्ष बा आब्स्ट्राक्ट 200 रु 300 शब्द मध्य रे हेबा उचित, एवं सेही निष्कर्ष भितरे आमर उद्देश्य मध्य प्रतिपादित हेबो, एवं ता तळकु रही थाय किछि प्रमुख शब्दावली बा जहाकु आमे कीवर्ड कहुचु सेथिरे चारिटी बा आठटी चारटी रु आठटी भितरे किछि प्रमुख शब्द जोटा कि से निबंधरे व्यवहार कराई एवं निबंधर गौरव प्रख्यापन रे सहायक होई एवं निबंध भितरे से शब्दपुंजर गुरुत्व रही उपस्थापन होबा दरकार, एवं निबंध केमिति प्रस्तुत करा जिवो से संपर्क रे आमे एबे चर्चा करिबा। एवं आमे प्रथमे कोन करिबा ना आर्टिकल जेतेबेले प्रिपेयर करने को जीवा सेतेबेले गोटे प्रोसेस बा गोटे सोपान मध्य देगी आमे गति करिबा। आमर प्रथम रही लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट होबा दरकार, आमे कोउ विषय रे कहिबा को जाउछु एवं कौन कहिबा को जाउछु एवं कौन नुआ करी कहिबा को जाउछु, सेथिपाई गोटे विषय को आमे प्रथमे चयन करिबा सिलेक्टेड टॉपिक, एवं से विषय चयन करिसारिला परे बा जोटा कि आम निबंधर उद्देश्य रही से निबंधर उद्देश्य को साकार करने आम केते गुड़िया प्रश्नावली प्रस्तुत करिबा। जमिति आम चर्या साहित्य संपर्क में धर पुनर्मूल्यायन करने को चाहूँ, आम से कौन करने को चाहूँ, भाषा संपर्कित करने को चाहूँ ना ऐतिहासिक
विचारधारा संपर्क करने चाहूँ ये गुड़े प्रश्न एवं तार उत्तर आम लिपिबद्ध करवा दरकार एवं तापर आमर से जो प्रश्न एवं उत्तर आसला सामूहिक उत्तर व गतानुगतिक उत्तर आमर से आप्रोच कौन रवेदन कौन रमर वक्तव्य कौन रुआक कौ वक्तव्य आम गुरुत्व दवा से संपर्क आम से कार्य आरंभ करवा से अनेक सूचना संग्रह करने को पड़े तथ्य संग्रह करने को पड़े विभिन्न गवेषणात्मक जो निबंध रही पूर्वर कौन सी थेसीस रही तथ्य संग्रह करने को पड़े एवं आमर जो दिगरे आम चर्चा करने को जाऊँ आमर मत आ मंतव्य को आम कमी नूतन भाव में उपस्थापन करने को चाहूँ से संपर्क में आम सूचना संग्रह करवा से सूचना गुड़िक एकत्रीकरण कर सारापर से कतोटी युक्तिसंगत केते गुड़े असंगतिपूर्ण थाए से संपर्क आम विचार कर निबंध लेखा आरंभ करवा तेणु ये निबंध प्रस्तुत करवा तेणु ये निबंध प्रस्तुत कला बेले आम साधारणतः जी शब्द भितर आम प्रस्तुत करूँ ना प्रकाशपाई जदि आम निबंध प्रस्तुत करूँ अति कम्रे A4 साइज्र चारि पृष्ठ आरंभ कर सत आठ पृष्ठ दस पृष्ठ पर्यंत आम लेखाटीए प्रस्तुत करूँ लेखा प्रस्तुत बेले प्रथम शीर्षक शीर्षक पर संक्षिप्त सार एवं ता तलकु प्रमुख शब्द बा मुख्य शब्द गुड़िक जहाँ संपर्क में पूर्वर कही जिते बड़े आर्टिकल आम प्रिपेयर करवा प्रथम उपक्रम जोटा कि गवेषणा जो तत्व रही तत्व आधार में आम से उपस्थापन करवा उदाहरण स्वरूप यही गोटे जनजाति संपर्कित वाचिक परंपरा प्रसंग संपर्क जदि निबंधटे प्रस्तुत करुच्ची ताहले तहार संक्षिप्त सारटीए आम उपस्थापन करवा से प्रमुख शब्दावली भितर ओडिशार जनजाति डंगर तो आपणकर भाषा उलिपि से संपर्क जो प्रमुख शब्द आसुच्छे स्थानित करवा उपक्रम रम रही सारापर ता तलकु आउ केते गुड़िए सब थीम संपर्क आम चर्चा करवा जमी जनजाति मौखिक परंपरार कौन विविधता रही जनजाति लोकमिथ कौन रही जनश्रुति आउ किंवदंती कौन रही लोककाणीर स्वातंत्र कौन रही लोकगीत लोक साहित्यर वैशिष्ट्य ए संपर्क गोटे गोटे पाराग्राफ्रे आम चर्चा करें शेष आमर उपसंहार रो थे आमर फाइंडिंग्स जो गवेषणात्मक निबंध आम प्रस्तुत कले से आमको कौन मिलला से संपर्क उपस्थापन उपसंहार लिखा एवं ता पछकु आपण पृष्ठटिका रखिबे एवं पृष्ठटिका परे सहायक ग्रंथ सूची मध्ये रखिबे पृष्ठटिका रे लेखिला बेले प्रथमे लेखकंकर ना रहिबो तापरे बहिरो ना रहिबो तापरे प्रकाशकंकर नाम एवं प्रकाशकंकर ठिकणा ता सहित पुस्तक प्रकाशनर काल रहिबो एवं कोउ पृष्ठारु आपणकर सेई तथ्य संग्रह करिचंती से संपर्क में मध्य रहिबो जेतेला सहायक ग्रंथ सूची रहिबो सेथिरे मध्य एही क्रम रे रहिबो किंतु सेथिरे पृष्ठा उल्लेख रहिबो नाही अनेक समय रे गोटे गोटे बही रे एकाधिक लेखक थांती जो थिरे कि आपण माने प्रथम लेखकक ना ओ अन्य माने बोली मध्य लेखि पारिबे तेणु गवेषणात्मक निबंध प्रस्तुति रे एही सोपान गुडी को रहिछि एवं गवेषणात्मक निबंध अनेक समय रे प्रस्तुत कर सारा पर आम कौन पाठचक्र उपस्थापन कर सारापर आम तार मुद्रण पाई कि छपेवाई विभिन्न जर्नाल सहायता नहीं था आमर अनेक गुड़े रिसर्च जर्नाल भारत वर्ष रही किंतु ओडिया साहित्य पाई आमर विशेष रिसर्च जर्नाल जोटा कि स्कोपस इंडेक्स आपणकर UGC लिस्टेड जर्नाल भितर ओडिया जर्नाल ना संप्रति ना किंतु साधारणतः आमर जो ISSN जर्नाल गुड़िक रही आमर विभिन्न संस्था गुड़िक गुरुत्व तेणु आपणकर जो प्रसंगे आपण लेखा प्रस्तुत करिछंती प्रकार आलेख्य निबंध कौ जर्नाल विशेषकर छपा ही थाए से जर्नाल को आपण पठेबे एवं सेटी पठे सारापर अनेक समय रे प्रकाशक जे संपादक थांती बा एडिटर थांती बा रिव्यूअर थांती से माने जदि कौनसी तथ्यगत त्रुटि रही थाए बा कौनसी परिवर्तन करिबाकु चाहंती से माने मध्य आपणक सहायता नहीं पारंती एवं अनेक समय रे प्रकाशक माने बा पत्रिका संपादक माने से माने रिवाइज्ड पेपर मध्य पठेबाकु कहि पारंती नहले DTP करि आपण प्रूफ देखि मध्य केतेक स्थल को पठांती तेणु एही भली भाबरे आमे पठेई थाउ गवेषणात्मक
निबंध एवं सेथिरे लेखकंकर नाम थाए तांकर डेजिग्नेशन बा जो पदरे रही लेखकंकर संपूर्ण ठिकणा मध्य रहिब पिन कोड रहिब कांटेक्ट नंबर रहिब एवं ईमेल आईडी मध्य रहिब। अनेक समय रे आमे हाथ लेखा मध्य पठाई थाउ आउ केते गुडे टाइप फॉर्मेट रे मध्य पठाई थाउ तेणु हाथ लेखा हेले गोटे फर्द कागज रे पछपटे फांका रहिब बा साधा कागज रहिब एवं ऊपर पटे सुंदर हस्ताक्षर रे लेखि इमिति करी पठाई थाउ। किंतु जदि टाइप करूछंती ताहले आपण यूनिकोड रे मध्य टाइप करि पारंती आकृति रे टाइप करि पारंती जदि इंग्लिश रे करूछंती टाइम्स न्यू रोमन सेथिरे टाइप करि पारंती एवं शीर्षक बा टाइटल जोटा रहिछि से अक्षरर साइज 14 पॉइंट हे थाई साधारणतः एवं इनर टेक्स्ट बा भितरर लेखा गुडीक 12 पॉइंट हे थाई एवं धाड़ी भितरे जति कि यथासंभव कम गैप बा शून्य स्थान रही थाए। एई भली भावरे आमे रिसर्च पेपर प्रिपरेशन करि थाउ एवं एई रिसर्च पेपर प्रकाशित हो सारा परे आमे जतेबेला चाकरी क्षेत्र को जाउछु यार बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि तेणु गोटे उपयुक्त गवेषणा निबंध प्रस्तुत करिया पई एई सब सोपान गुडीकु आमे ग्रहण कले अति सुंदर भावरे आमे आलेख्यटिए प्रस्तुत करि परिबा जहा आमर भविष्यत निर्माण रे सहाय हो। आमर एई चर्चा केमती लागिला एथिरे मत रखिबे एवं आमर एई चैनल को अधिक रु अधिक सब्सक्राइब करिबे लाइक करिबे। आज पई विदाई नउछि, नमस्कार।